नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम ग्रेड फर्स्ट चित्रकला का जो एग्जाम हुआ है आरपीएससी के द्वारा करवाया गया है, इस एग्जाम के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर एक, प्राग ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? तो ये की थी दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई की कला यात्रा पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष बनाई गई? तो ये 1995 में बनाई गई। भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो ये रस निष्पत्ति रही थी। निम्न ये प्रश्न तो हट गया, यानी साइकोलॉजी का है, हम केवल सब्जेक्ट के देख रहे हैं। यानी अगला प्रश्न है हमारा, ईस्वी यानी चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की? तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना है जो केसी एस पनीकर के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर है? तो ये जो प्रिंट मेकर है ये रहे थे सोमनाथ होर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित करी गई थी? तो ये जो प्रकाशित करी गई थी ये करी गई थी असित कुमार हल्दार की। अगला प्रश्न, चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? तो चित्र सूत्र के जो अनुवादक हैं वो रहे थे मुलकराज आनंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर समूह है में से कौन सा नहीं है? तो 64 योगिनी कंद्रिया महादेव और वरा है, यहां पर राजा रानी मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न, गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित करी थी? तो ये गणेश पाइन की मानी जा रही है। बाकी अगर आपके ध्यान में अगर कई और आंसर हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ये गणेश पाइन की ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की? तो पिकासो ने चित्रित करी थी तीन स्त्रियां, अवनियों की स्त्रियां, नीलागर, यानी ये जो ताश का खेल है ये इसका नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न है द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिविंग ट्रेडिशन केजी सुब्रमण्यम की मानी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न, चारों वेदों में गयात्मक वेद माना जाता है साम वेद। भारतीय मूर्तिकला परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? तो यह अलंकरण का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से वात्यापीपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो वात्यापीपुरम है जिसे हम बादामी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न की बात करें तो यह है 1863 ईस्वी में यानी पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड मानेट का चित्र प्रदर्शित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था तरण पर भोजन। अगले प्रश्न की बात करें तो वो रहेगा मेवाड़ के खजुराहो के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ये माना जाता है अंबिका माता का ये जगत मंदिर। अगले प्रश्न की बात करें तो वो रहेगा सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न की बात करें तो ये जो मोंद्रियान का है ये मोंद्रियान का रहा था जिंजर पोर्ट, तो इससे निकल जाएगा एक में चार, यानी एक में चार ये है और ये है। आगे देखा जाए तो फिर चार नंबर में देखो, यानी ये है दुशा, जो दुशा की करती है वो सबसे प्रसिद्ध है जीने से उतरती हुई विवस्त्र स्त्री, तो एक नंबर इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यह प्रश्न है, मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्र आरंभ किया? तो यह है जो मिलेट जीन ने फ्रेंसिको से, यानी जो मिलेट जीन है इनसे ये क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद दर्शाता है? तो अति यथार्थवाद का बिल्कुल एकदम से क्लियर प्रश्न था, स्वप्न एवं अचेतन मन से संबंध दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, तो ये कौन नहीं था? ये नैन सुख नहीं था। ये प्रश्न है 26 नंबर, अभिकथन हल्का लाल रंग उसी रंगत की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाए जाए
तो वह और अधिक हल्का लाल प्रतीत होगा। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात, दूसरा अभिकथन की बात करें तो वो है, पीले रंग को लाल रंग की पृष्ठभूमि पर लगा दिया जाए तो पीला रंग नारंगी प्रतीत होने लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि लाल पृष्ठभूमि पर कौन सा लगा दिया जाए, पीला लगा दिया जाए, तो लाल और पीले को मिलाने से रंग बनता है नारंगी, यानी जो कथन है इसके ये दोनों के दोनों एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, एनएस बिंद्रे के कला गुरु कौन थे, तो ये डीडी देवलालीकर से इंदौर में शिक्षा ग्रहण करी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो मथुरा मूर्तिकला में कौन सा पत्थर प्रयुक्त हुआ, तो बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर, यानी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करें तो कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, यानी छितेंद्रनाथ मजुमदार, अवनिंद्रनाथ और असित कुमार हल्दार, ये तीनों थे। गगनेंद्रनाथ का भी संबंध था, लेकिन गगनेंद्रनाथ अपनी शैली के आधार पर इन तीनों से क्या थे, अलग थे, इसलिए गगनेंद्रनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो दार ए सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे, तो ये अमरनाथ सहगल रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे थे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, द ग्रावेन इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म में किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है, तो यह है चिंतामणि करके। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रारंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया, तो वैसे तो मासाचू आता है, लेकिन ये पूछ रहा है प्रारंभिक पुनर्जागरण में, तो इसमें इसका जो तो आंसर सही होगा, आप देख सकते हैं, यानी इसका जो तो ही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है, तो अमरावती की बात करें तो अमरावती है जो संगमरमर से बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रसी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ, तो 3 चरण इसके सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पद्म श्री की जो उपाधि है वो किसको मिली थी, तो ये मिली थी इनमें से कृपाल सिंह शेखावत को। अगले प्रश्न की हम बात करें तो वो रहेगा, भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको है, बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी, तो ये सारे चित्र रहे थे अवनिंद्रनाथ टैगोर के। अगले प्रश्न पर चले, बरहुत स्तूप के जो मूर्ति शिल्प है वो किस पत्थर से निर्मित है, तो बरहुत जो पत्थर है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। अगले प्रश्न पर चले, निम्नलिखित में से या निम्न चित्र शैलियों को जो काल क्रमानुसार क्या करना है, चेन करना है, तो देखो इसमें मुगल पहले यकट, अजंता अजंता के बाद जैन, जैन के बाद मुगल, और मुगल के बाद कौन सी कांगड़ा शैली, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सल्वाडोर डाली की नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो सल्वाडोर डाली की है जो जलता हुआ जिराफ है, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का कुशारोपण है, ये इसकी, ये 4 नंबर वाली नहीं है, सेल्फ आविष्कृत वस्तु जो सृष्टि है ये इसकी नहीं है। अगले प्रश्न पर चले तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना 1947 में हुई थी। अगले प्रश्न पर हम चले, जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना, तो ये उषा रानी हुज्जा की है। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम आयात यानी गोल्डन सेक्शन पूछ रहा है, जो गोल्डन सेक्शन है ये अंतराल से संबंधित है, ये है क्योरो स्क्यूरो आ रहा है, इंग्लिश में देखे तो मिलेगा च्योरो स्क्यूरो, तो ये छाया प्रकाश से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है, कौन सा नहीं है, ये तो ऊपर वाले जो तीनों है इसमें भागीरथ की तपस्या है, ये महाबलीपुरम में है, तो ये यहां पर नहीं है, बिल्कुल क्लियर आंसर निकल जाएगा। एक किताब, एक चौकोर डिब्बा, एक ईंट का आकार संबंधित है किससे, ये घनाभ से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है वेंगई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, बसोली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है सोन किरवा पंख का प्रयोग। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल बिल्कुल क्लियर है, बीहजाद को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से चित्रकार की आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार ए एच मूलर के सानिध्य में हुई, तो यह था द्वारका प्रसाद शर्मा।
अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य विशिष्ट पहलू क्या है? तो यहां पर काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया था, यह बिल्कुल से सही। पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? तो बंगाल, बिहार और नेपाल में बनाए गए। अगला प्रश्न है, भारत ने अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित किया? तो ये थी कौन सी? थ्री गर्ल्स। आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो विविध तानों का प्रयोग किया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं? तो भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं है। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी, ठीक है ये हट गया, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कहां स्थित है? तो ये चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज है जो मद्रास है चेन्नई में। जोतावा खेत नामक ये चित्र है, ये किसका है? तो ये जॉन मीरो का है। फिर बात करें हम अगले प्रश्न की, वो है 1958 ईस्वी में बंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था मूलक राज आनंद ने। इम्पेस्टो क्या है? तो मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है जिसको इम्पेस्टो कहा जाता है, ये बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन थे? तो भुक्तिवाद का जो सिद्धांत है ये दिया था भट्ट नायक ने। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ था? तो ये पटना में प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्र संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए और छोटे क्षेत्रों में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है, छोटी आकृति को केंद्र से दूर होना चाहिए और बड़ी आकृति को केंद्र से नजदीक होना चाहिए, यही इसका क्या है? गलत है। अब जिस ऑप्शन में बी है उसको हटा दो, बी वाला ये हट गया, ये हट गया, ये बच गया 1 और 4, यानी डी, 4, यानी 4 नंबर भी चेक कर लेते हैं। बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए, बिल्कुल से सही है। लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह कथन है संकुक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राफेल सेंजियो ने नहीं बनाई? तो ये इसकी है कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन, यानी सेंजियो राफेल है, इसकी पेंटिंग कौन सी नहीं है? सिस्टाइन मेडोना है, लेडी विद एन अरमाइन है, स्कूल ऑफ एथेंस है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका, ये इसकी कृति नहीं है। लोक कला कावड़ में चित्र हेतु प्रयुक्त धरातल कौन सा है? तो ये लकड़ी की बनाई जाती। निम्नलिखित में से किस चित्रकार के अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूपाकार के रूप में देखती है? तो ये जेस स्वामीनाथन के रूपाकारों में चिड़िया दिखाई देती है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रभाववादी कलाकारों से तात्पर्य है, तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार क्या थे? ये प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर के इन्होंने उत्तर प्रभाववाद को जन्म दिया था, यानी प्रभाववाद से असंतुष्ट कलाकार थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देवकी नंदन शर्मा पक्षी चित्रकार। गांधी जी के साथ प्रवास के समय किस चित्रकार ने उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया था, यानी गांधी जी के प्रवास के समय राजस्थान के कौन से चित्रकार ने उनके जीवन को प्रकाशित, यानी अपने चित्रों में प्रसंगों को चित्रित किया था? तो वो थे भूर सिंह शेखावत। आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? तो आलंबन और उद्दीपन है ये विभाव है। आगे बात करें तो बाइजेंटाइन कला शैली में कौन सी कला तकनीक अत्यधिक लोकप्रिय थी? तो बाइजेंटाइन है जो मणिकुट्टम कला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। एलोरा स्थित 1 नंबर से 12 नंबर तक की गुफाएं हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो जी आर संतोष की कला में दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलें, रेड ऑन रेड के चित्रकार कौन थे? सुरेश शर्मा थे।
अनुरंकित रूप में क्या समझते हैं? तो अनुरंकित जो रूप है यानी रेंडरिंग से पूछ रहा है, तो रेंडरिंग है ये क्या है, रूपांतरित फॉर्म है, यानी ट्रांसफॉर्मर्ड फॉर्म मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चले। रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी का नाम क्या है? तो यह है देपा। ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो गुर्जर प्रतिहार यानी प्रतिहार वंश। प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो प्रभाववादी जो चित्र है वो प्रकाश और वातावरण का प्रभाव ही था, तो ये इसका मुख्य विषय रहा। ओलियोग्राफ से हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। गैसों का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? तो यह टेम्परा में किया जाता है। वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो यह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगले प्रश्न पर चले। घोड़ा बावसी किस कला से संबंधित है? तो घोड़ा बावसी टेराकोटा कला से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चले। सुमेलित कीजिए राम किंकर बेंज बिल्कुल संथाल फैमिली। तो एक में दो देख लो, एक में दो, केवल एक ही नंबर ऑप्शन में आ रहा है, आपको ज्यादा देखने की जरूरी नहीं है। शंखो चौधरी का हेड ऑफ गर्ल है, धनराज भगत का सितार वादक है और अर्जुनलाल प्रजापति की बनी ठनी मूर्ति है। चलते हैं आगे। 1944 तथा 1945 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप है 43 की कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका मुंबई आंसर हो सकता है। अगर आपके ध्यान में कोई इसका आंसर सही हो विद प्रूफ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगले प्रश्न की बात करें। प्रसिद्ध चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते किसकी रचना है? तो यह है भूपेन खक्कर की। अगले प्रश्न की बात करें वो है बाडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? तो यह किया था जेम्स कर्नल टोड ने। निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव यानी मूड के समरूप स्थिर संवेगों का गलत युग्म है? तो गलत की बात करें तो श्रृंगार का आ गया रति, भयानक का क्रोध नहीं होता है, यही इसका गलत है। करुणा का शोक हो गया, हास्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो जातक कथा है जो राजस्थानी से संबंधित चित्रित विषय नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को नई दिशा व पहचान दिलाई? तो ये गोपीचंद मिश्रा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं है? तो ये सनत राजन है, ये शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है, यानी दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित पूछ रहा है। ज्योति स्वरूप का प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, यानी ज्योति स्वरूप का कौन सा है जो प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? वो है इनर जंगल श्रृंखला, ये ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें। दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है? तो वो होता है द्वि आयामी। चांद बावड़ी स्थित है कहां पर? आभानेरी में। रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भरत मुनि के द्वारा दिया गया। देलवाड़ा में स्थित विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में किया गया। ज्योतो किसके शिष्य थे? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, सीमाबू के शिष्य थे। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था बंगाल शैली का। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? तो चित्र सूत्र नहीं रखता है। आगे चले। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परिप्रेक्ष्य। श्रृंगार सप्तक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो श्रृंगार सप्तक नामक ग्रंथ है, यह भर्तहरि का माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा नहीं बनाया गया?
तो ये अलकापुरी का यक्ष, यानी यक्ष के किसी भी प्रकार के चित्र हैं जो गोवर्धन लाल जोशी ने नहीं बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई, तो ये मिर्जापुर में हुई थी। कौन सी स्थापत्य कला शैली के शैली में चित्रण हेतु बहुत कम धरातल यानी भीतीय धरातल उपलब्ध हुआ था, तो ये गोथिक में हुआ था। निम्नलिखित में से भारत में शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है, तो प्रथम श्रेय की बात करें तो वो है आर्चीबोल्ड कार्लाई। अगला प्रश्न की बात करें वो है द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर पुस्तक किसकी है, तो ये मूलक राज आनंद की पुस्तक है। किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किराट कूप यानी किराए कूप के नाम से। किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली की रचना करी थी, तो ये राम गोपाल विजय वर्गीय के द्वारा करी गई थी। जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ, यहां दादा का अर्थ क्या था, झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया, तो पौराणिक ऐतिहासिक कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन के विषयों को महत्व दिया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का सदस्य नहीं है, तो इसका कौन नहीं है, बीसी सान्याल नहीं है। अगले प्रश्न पर चले, जेकब का देवता से द्वंद युद्ध नामक चित्र किसने बनाया था, तो यह बनाया था पॉल गोगिन। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह मान जाना जाता है किसको, कांडिस्की को, यह कांडिस्की को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चले, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिआयामी चित्र। फिर बात करें कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जय मंगला नाम से जाना जाता है, तो यह लिखी थी पंडित यशोधर ने। अगले प्रश्न पर चले, विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की कहां से, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। महाबलीपुरम मंदिर स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा निर्मित है, तो महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम में मैंने बिल्कुल से क्लियर सबको बता रखा है, यहां पर ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो महाबलीपुरम में जो चित्रण हुआ है वो ग्रेनाइट पत्थर पर ही हुआ है, तो यहां ग्रेनाइट पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर फावादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहां हुआ, तो यह हुआ था इकोले डेस बिक्स पेरिस में हुआ था। फिर बात करें रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी, रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेम्परा। कलाकारों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके सही आंसर चुनना है, तो पहले ज्योतो ही आएगा इनमें, तो ज्योतो एक नंबर में ही दे रखा है, पहले ज्योतो है, फिर विंची है, और फिर रेम्ब्रा है, और फिर कौन है, फिर माने है, मोने है, माने नहीं, ये मोने है, इधर देखो मोने। चलते हैं अगले प्रश्न पर, फिर बात करें तो सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई, तो सिस्टाइन चैपल की जो छत है, सिस्टाइन चैपल पर जो कार्य किया गया था वो माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया, लेकिन माइकल एंजेलो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इस प्रकार के यहां पर जो चित्र बनाए थे वो मासाचियो के द्वारा बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मासाचियो होगा। चलते हैं आगे, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा नामक कृति कहां है, तो ये सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में है। राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियां सीखी, तो इन्होंने असित कुमार हलदार से सीखी थी। निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना किसने की, तो रेशों का प्रयोग मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा किया गया था। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है, तो ये किसकी है, बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण शैली की मानी जाती है। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है, तो यह की जाती है भगवान शिव की। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मूक का नहीं है,
तो एडवर्ड मुख का नहीं है, जीवन की सत्रस्त, जीवन की स्त्रस्त नहीं है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला, क्योंकि इसका एक चित्र है वो है जीवन की चित्रावली, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैक्सन पोलाक का संबंध है, तो सबको पता है जैक्सन पोलाक है जो एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है। चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्र शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ से संबंधित है। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है, तो ये किसके अनुसार है, ये संकुक के अनुसार मानी जाती है। यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है, तो यामिनी राय लोक कला से प्रभावित या प्रेरित थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान अंतरिक्ष विद्या में पारंगत था, तो ये लियोनार्डो विंची था। घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है, तो ये धनराज भगत का है। निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया था, तो इसका आंसर बेंद्रे होगा, हालांकि हेबर भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर तो बेंद्रे ही है। अगर आपको कोई और सटीक आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। निम्नलिखित में से छापा कलाकार ग्राफिक चित्रकार के तौर पर प्रसिद्ध है, तो इसमें ज्योति भट्ट भी है, अनुपम शुद्ध है, यानी दोनों आंसर सही है, जबकि ज्योति भट्ट को वरीयता दी जाती है, दोनों ही इसके सही आंसर हैं, ज्योति भट्ट भी है और अनुपम शुद्ध है, बाकी ज्यादा कार्य ज्योति भट्ट ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, कोलकाता समूह ने कौन सी चित्रण विद्या को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी, तो कोलकाता स्कूल ने तेल चित्रण को भी क्या दिया था, महत्व दिया था, क्योंकि ये क्या है, ये वॉश पेंटिंग में कार्य किया करता था, तो इन्होंने क्या है बंगाल वाले, तो इन्होंने कलकत्ता स्कूल में तेल चित्रों को भी महत्व दिया था। तो इसी के साथ ये पेपर आपका कैसा रहा, आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें, और इन प्रश्नों का डिटेल वीडियो जो हमारी क्लासों से आए हैं विद प्रूफ में वीडियो लेकर के आऊंगा कल शाम 8 बजे, उस वीडियो को देखना न भूले। आपको चित्रकला के लिए प्रॉपर पता चल जाएगा कि वास्तव में चित्रकला के ये जो प्रश्न आए हैं ये किस प्रकार की क्लासों से और कौन कौन सी क्लासों से ये प्रश्न उठाए गए हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।